हेलो फ्रेंड्स, उषाजय लर्नर्स पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल कुमार। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पुर्तगाली कंपनी से संबंधित जानकारियां प्राप्त करेंगे, जिसके अंतर्गत कंपनी का नाम, कंपनी का गठन, कंपनी का उद्देश्य, कंपनी का व्यापारिक विस्तार, कंपनी का भारतीय समाज या क्षेत्राधिकार पर प्रभुत्व और अंततः कंपनी का भारत में योगदान, इन सभी प्रश्नों की जानकारी प्राप्त करेंगे या इन बिंदुओं पर जिक्र करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि हम इससे पहले वाली क्लास की बात करें तो उसमें वास्को दी गामा तक की स्थिति को जाना था। उसका हम संक्षेप में वर्णन करें उस क्लास का, तो उस्मानिया साम्राज्य ने यूरोप महादेश का कुस्तुनतुनिया शहर पे 1453 ईस्वी में आर्थिक हित के कारण आक्रमण कर देता है, जिस कारण वहाँ से दो वर्ग, व्यापारिक वर्ग और धार्मिक श्रेष्ठ वर्ग, पुर्तगाल शहर में विस्थापित हो जाते हैं। जहाँ से पुर्तगालियों ने भारत और यूरोप के बीच में जलमार्ग की खोज करने के लिए बहुत सारे अभियान चलाते हैं। इस अभियान के परिणाम स्वरूप 1487 ईस्वी में बार्थोलोमियो डियाज द केप ऑफ गुड होप्स पहुँच जाता है, जिसे उसने केप ऑफ स्टॉर्म्स कहा। यदि हम इसकी बात जानकारी वर्तमान की स्थिति जाने तो नवम्बर 1947 ईस्वी में इसका जो मान्यता है वो आसान तरीप से मिला है, आसान तरीप के नाम से जाना जाता है। और हेनरी पुर्तगाल का राजकुमार था, उन्होंने अपने शासनकाल में बहुत सारे अभियानों का मार्गदर्शन किया, जिस कारण उसे हेनरी द नेविगेटर कहा जाता है। और उसकी एक उपलब्धि और है कि उन्होंने जो अफ्रीकी महादेश है उसका पश्चिमी तट का मैप बनाया था। 1487 के बाद स्पेन का जो शासक है, क्योंकि आधा रास्ता तो मिल गया है, 1487 के बाद स्पेन का जो शासक है उन्होंने सोचा कि इस जो व्यापारिक या जल मार्ग की खोज है उसका श्रेय क्यों ना हम ही ले लें। जिस उद्देश्य से स्पेन का शासक कोलंबस को भारत खोज के लिए 1494 ईस्वी में भेजते हैं, कोलंबस इस खोज में असफल हो जाता है और वो भारत के बजाय अमेरिका चला जाता है। अमेरिका में माया जनजाति के पास से रबर की खोज करता है। पुर्तगाल का शासक 1497 ईस्वी में पुर्तगाल का जो पहला प्रतिनिधि है वास्को दी गामा, उसको भेजता है भारत खोज के लिए, जिसे रास्ता में अब्दुल मनीक नामक गुजराती पथ प्रदर्शक मिलता है, जिसकी सहायता से वो भारत के केरल के मालाबार तट पे कपक डाबू बंदरगाह के कालीकत पर बेरा गिराता है। कालीकत की बात करें तो वर्तमान में उसका नाम कोझिकोड है। कालीकत में बेरा गिरा दिया। अब यहाँ के बाद यहाँ से वह मालाबार तट पे शासक जमुरीन है, जमुरीन उसका स्वागत करते हैं। वास्को दी गामा लगभग 3 माह रहता है, व्यापारिक परिस्थितियों को जानता है कि क्या भारत और यूरोप के बीच में व्यापारिक संबंध बनाना यूरोप के लिए अनुकूल है या नहीं है, और भारत में किस देश का व्यापारी का प्रभुत्व है, ये सब जानकारी प्राप्त करता है। और 3 माह के अंदर ही उन्होंने एक अरबी जहाज को, अरबी व्यापारी को पराजित कर एक अरबी जहाज को जमुरीन को भेंट स्वरूप प्रदान करता है, और जाते समय कुछ जड़ी बूटियां ले जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उसी जड़ी बूटियाँ से वो लगभग पूरे यात्रा का 60 गुना फायदा कमाता है। पूरे यात्रा में जो खर्च हुए उस खर्च की तुलना में वो जड़ी बूटियाँ से 60 गुना फायदा कमाता है। ये हेक्टर नामक जहाज से आता है, ये हम पिछले क्लास में यहाँ तक की जानकारी को प्राप्त किए थे। अब क्या है फ्रेंड्स, कि अब हम वास्को दी गामा के बाद की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वास्को दी गामा को भारत से हम पुर्तगाल भेज दिए हैं या पुर्तगाल वो चला गया है। अब पुर्तगाल में शासक वही है इमैनुअल प्रथम। वास्को दी गामा जाता है, शासक को संबोधित करता है और पूरे व्यापारिक संबंध या व्यापारिक विस्तार, व्यापारिक वहाँ पे क्या प्रभुत्व है, क्या भारत और यूरोप के बीच में संबंध बनाना अनुकूल है या प्रतिकूल है, ये सब सभी जानकारियाँ देता है और कहता है कि जनाब, यदि भारत के साथ व्यापारिक संबंध बनाना है तो दो चीज़ें करनी होगी। पहली, जो ये अरबी व्यापारी है, ये अरबी व्यापारियों का जो प्रभुत्व है उसको समाप्त करना होगा, और दूसरा, हिंद महासागर में, हिंद महासागर के जो खासकर अरब सागर जो है
वो हिंद महासागर का ही एक हिस्सा है। तो अरब सागर में अपना प्रभुत्व स्थापित करना होगा, एक भय पुर्तगालियों के प्रति लोगों में भय उत्पन्न करनी पड़ेगी, क्योंकि हम जब वहाँ गए थे तो जमोरिन हमको व्यापारिक संबंध के लिए आज्ञा दे दिया था, लेकिन जो अरबी व्यापारी है उसके दबाव के कारण पुर्तगाली जमोरिन को उसे वापस लेना पड़ा। और उसको मैंने वचन दिया है कि ये अरबी व्यापारी, ये सैन्य शक्तियाँ हमारे सामने, हमारे सैन्य शक्तियाँ की तुलना में बहुत कम है, इसको हम पराजित करेंगे, अरब सागर पर अपना प्रभुत्व स्थापित करेंगे। और आप व्यापारिक संबंध बनाइए, जब हम व्यापार करेंगे तो आपको संरक्षण भी देंगे। ये सब बातें किए हैं। तो वहाँ का जो शासक है इमैनुअल प्रथम, उन्होंने क्या किया कि 1502 ईस्वी में, सॉरी 1500 ईस्वी में पुर्तगाल का दूसरा प्रतिनिधि पेड्रो अल्वारेज केबराल को भेजा। इसका काम क्या है? इसका काम यही है कि जो भी हिंद महासागर में मिले, जो भी आपका विरोध करे, उसे नष्ट करो, उसे पराजित करो, उसे मार दो। ये सेनापति था, प्रतिनिधि बनकर, दूसरा प्रतिनिधि बनकर भारत में आया था, और वही किया, अरब सागर में छावनी लगा दिया, 3 जहाज से आया था, और जो भी इसका विरोध किया उसे पराजित किया। 3 जहाज हैं। जमोरिन से मिलता है पेड्रो अल्वारेज कैब्राल और बताता है कि हमें पुर्तगाल से भेजा गया है, इस उद्देश्य से आए और मैंने सभी को पराजित किया है, अब हम जाने की आपसे आज्ञा मांगते हैं। वो चला जाता है पुर्तगाल, पेड्रो अल्वारेज कैबराल पुर्तगाल चला गया है। अब वहाँ का शासक के पास एक चुनौती है कि कौन ऐसा प्रतिनिधि किसको भेजे कि वो भारत के साथ कूटनीति से, सहयोग से व्यापारिक संबंध बनाने की आज्ञा मांगे। वास्को दिगामा को भेजता है 1502 ईस्वी में, पुनः वास्को दिगामा को वो भेज देता है। वास्को दिगामा दोबारा 1502 ईस्वी में आता है और जमोरिन से मिलता है, जमोरिन से व्यापारिक कोठियाँ स्थापित करने के लिए मांग करता है। यहाँ पे कोठी मतलब ये नहीं समझिएगा कि जो गोलाकार ऊंचाकार, जो ऊंचा होता था उस मिट्टी से बना हुआ, जिसके अंदर गेहूँ चावल ये सब रखे जाते थे, वर्तमान में वो विलुप्ति के कगार पर है। तो उसकी हम उस कोठी की बात नहीं कर रहे हैं, इस कोठी का अर्थ यह समझिए कि वर्तमान में सब्जी मंडी या कोई भी मंडी हो जहाँ पे वस्तुएँ क्रय विक्रय के लिए रखे जाते हैं और बीच में कमीशन लेता था, ठीक उसी प्रकार की कोठियाँ होती थी। ये आयात निर्यात से संबंधित होती थी और वस्तुएँ जहाजी से तटीय जलमार्ग के माध्यम से जाते थे। तो वास्को दी गामा आता है जमोरिन से, कोठियाँ स्थापित करने की मांग करता है, आज्ञा प्राप्त हो जाता है, जमोरिन इसको आज्ञा दे देता है, जिसके परिणाम स्वरूप 1502 ईस्वी में, सॉरी 1503 ईस्वी में कोचीन और 1505 ईस्वी में कन्नूर में अपना कोठी स्थापित करता है। अब स्थितियां क्या है, 1505 ईस्वी तक हम लोग आ गए हैं, 3 और 5 में, 5 तक जो पुर्तगाली कोठियां हैं भारत में सिर्फ 2 हैं। अब यहाँ का जो शासक है, देखिए कंपनी का गठन से पीछे की जानकारी आपको बता रहे हैं कि कंपनी का गठन क्यों करना पड़ा, अभी कंपनी का गठन नहीं हुआ है, 5 से पहले कंपनी गठित नहीं हुई है, ये 1503 और 1505 में सिर्फ कोठियां हैं, रजिस्टर्ड नहीं है, इसका नियंत्रण करने के लिए कोई रजिस्टर्ड विभाग नहीं है। अब कंपनी स्थापित होती है, उसके पीछे की कहानी जानिए। ये व्यापारिक संबंध थे, वहाँ का जो शासक है इमैनुअल प्रथम ही है, उन्होंने देखा कि अब हमसे, हमारे अधिकार क्षेत्र से ये बाहर जा रही है, हम ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं सभी मामलों में। राजतंत्र था, राजतंत्र में जो शक्तियाँ हैं वो शासक के पास ही है ना, चाहे विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका, सभी शक्तियों का वो सर्वोच्च शक्ति धारण करने वाला शासक ही होता था, भले ही सलाहकार, मंत्री परिषद ये सब होते थे, लेकिन सर्वोच्च शक्ति है शासक के पास। अब इन सब को छोड़कर एक और देख रेख करना पड़ रहा है व्यापारिक संबंध। तो इन्होंने सोचा कि कोई ऐसी विभाग, कोई ऐसी गठन किया जाए जिसका छोटा मोटा जो कार्य है
वो शक्ति है वो उस विभाग को दे दे, और जो लाभ होंगे घाटे होंगे ये सब हम जानेंगे या हमें वो लेखा जोखा देंगे। इस उद्देश्य से 1505 ईस्वी में एस्तादो द इंडिया नाम से कंपनी स्थापित होती है। एस्तादो द इंडिया याद रखिएगा, एस्तादो द इंडिया 1505 ईस्वी में गठित हुई है। अब कंपनी से संबंधित ये बातें जानिए कि इसमें जो भी उच्च स्तर पर नियुक्ति होती है वो शासक के अधीन है, शासक के पास है। सभी शक्तियाँ कंपनियों के पास नहीं है, साधारण शक्तियों को कंपनियों को दिया गया है। अब इस कंपनी के लिए एक पद बनाया गया था जो वायसराय था, वायसराय पर नियुक्ति हो गई है अल्फांसो डी अल्बुक सॉरी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये प्रथम पुर्तगाली वायसराय थे, याद रखिएगा। ये सब प्रश्न पूछता है कि प्रथम वायसराय कौन थे, पुर्तगाली वायसराय, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसका कार्यकाल है 1505 से 1509। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, ये आते हैं, आते समय इन्होंने सोचा कि एक बार और हिंद महासागर में जो भी बचे हुए व्यापारी हैं, चाहे विरोध करें या न करें, जो भी मिलेंगे उसको नष्ट करेंगे। इस उद्देश्य से ये 15 जहाज और लगभग 2200 सैनिक के साथ भारत आते हैं। समझ जाइए कि जो पेड्रो अल्वारेज कैब्राल उतना बड़ा अभियान चलाया, पर 3 जहाज़ को लाया था और उसी से सबको नष्ट कर दिया और अरब सागर में डर बनाया। इन्होंने तो 15 जहाज और 2200 सैनिक लाए हैं। कहा जाता है कि अरब सागर में जो भी मिले, चाहे वो पुर्तगालियों की अधीनता स्वीकार करें या न करें, उनको मौत का घाट उतार दिया गया। जिस कारण वहाँ का जो भारतीय शासक है जमुरीन, जमुरीन के शासन क्षेत्राधिकार में ही 2 कोठियाँ हैं। अब जमुरीन गुस्सा हो जाता है कि हो न हो ये हमारे खिलाफ़ भी कभी न कभी विद्रोह करेगा। जब इसकी ये रवैया है कि वास्को दी गामा आया तो एक अरबी जहाज़ को पराजित करके हमको दिया, पेड्रो अल्वारेज कैबराल आया तो उन्होंने भी हिंद महासागर में प्रभुत्व जमाया, और इन्होंने तो पूरे व्यापारियों को नष्ट कर दिया, हो ना हो हमारा भी विरोध करेंगे, इससे अच्छा है कि भारतीय हित में यही है कि इसको हम वापस भेजते हैं। जिस तरह से साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ एक नारा लगा था, ठीक उसी प्रकार से जमोरिन ने पुर्तगाली वापस जाओ, पुर्तगाली वापस जाओ नारा लगा दिए। लेकिन पुर्तगाली चतुर थे, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा चतुर थे, इन्होंने किसी तरह से जमोरिन को मिला लिया। और नहीं मानते तो आप एक कल्पना कर सकते हैं फ्रेंड्स कि जो देश छोटा सा यूरोप महादेश का एक छोटा सा देश, ये सक्रिय, ये अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, ये अफ्रीका के इस तरफ पश्चिम तरफ अटलांटिक महासागर का हिस्सा है और सब सब महासागरों में सबसे सक्रिय है महासागर। सक्रिय मतलब ये नहीं समझिएगा कि व्यापारिक दृष्टिकोण से जहाज़ें आ रही हैं, जहाज़ें जा रही हैं। ज्वार भाटा जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत इस इन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। यहाँ सिर्फ ये जानिए कि ये जो अटलांटिक महासागर है सभी महासागरों में सबसे सक्रिय महासागर है। यहाँ से इस मार्ग को देखे, इस पर अधिकार किए और यहाँ से पूरे हिंद महासागर पर अधिकार किए, वो इस छोटे से राज्य के शासक से क्या अधीनता स्वीकार करेंगे, ये तो मूर्खता है, सोचने वाली बात है। जो इतना क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व जमाया हो, थोड़ा सा के लिए पीछे हटेगा नहीं। और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा किसी तरह जमुरीन को मना लेते हैं, चाहे दबाव में या कहीं पे, ऐसी वर्णन नहीं है कि दबाव ये सहें कि वो सहें, लेकिन ऐसा लगता है कि पुर्तगालियों ने ही सहा होगा। क्यों?
क्योंकि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने शांत जल की नीति अपनाई, ब्लू वाटर पॉलिसी। इन्होंने कहा कि ब्लू वाटर पॉलिसी हिंदी में शांत जल की नीति कहते हैं। इन्होंने कहा कि अब जितने भी अरब सागर, हिंद महासागर या जितने भी सागर पे अपनी क्रूरता को हम दिखाए हैं, प्रदर्शन किए हैं सैन्य शक्तियों का, वो अब नहीं होगा, भारत के साथ व्यापार करेंगे। ये सिर्फ डर था लोगों में पुर्तगालियों के प्रति, क्योंकि वो व्यापारिक बाधा उत्पन्न करते हैं, जिस कारण हम ऐसा डर बनाया है। अब हम भारतीयों पर शोषण ये सब नहीं करेंगे। इस सब को सुनकर जमोरिन विवश हो जाते हैं और वो उसे मान्यता दे देते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी मान गए हैं। अब इनका कार्यकाल जो है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के, इनके बारे में सिर्फ दो तीन चीज़ें याद रखिएगा। ये भारत का प्रथम वायसराय थे, पुर्तगाली वायसराय, और इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। 1508 ईस्वी में संयुक्त वेरा नौसेना से ये पराजित हुए, संयुक्त वेरा नौसेना से पराजित हुए। संयुक्त वेरा नौसेना क्या है? तब तीन देशों का, गुजरात देश नहीं है, तीन दल कहिए, गुजरात, मिस्र और तुर्की, ये तीनों का एक गठबंधन था। तीनों में गठबंधन यही था कि जहाँ भी एक दूसरे के, माने कोई भी देश को, कोई भी व्यापारी या देश संस्था प्रतिरोध करेगी, विरोध करेगी या लड़ाई उत्पन्न करेगी, तो हम लोग तीनों मिलकर उसका सामना करेंगे। इस उद्देश्य ये गठबंधन करते हैं। और ये क्या करते हैं कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पर आक्रमण कर देते हैं, जहाँ पे ये जीत जाते हैं। संयुक्त वेरा नौसेना 1508 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पर आक्रमण करती है और वो जीत जाती है। इस हार में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का इमेज खराब होता है और यहाँ तक कि ये अपना पुत्र को भी खो देता है। और ऐसा कहा जाता है कि जितना वो गम इस बात को लेकर नहीं था कि पुर्तगाली कंपनियां संयुक्त वेरा नौसेना से पराजित हुई है, उससे कई गुना ज़्यादा इस बात से चिंतित था कि उसका पुत्र इस युद्ध में मारा गया है। पूरे एक वर्ष तक उन्होंने प्रतिशोध की ज्वाला में जले, वो बदला लेने की भावना से जले, और पूरे प्लानिंग के साथ एक साल बाद 1509 ईस्वी में इस पे आक्रमण कर देता है। संयुक्त वेरा नौसेना पर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आक्रमण कर देता है और संयुक्त वेरा नौसेना को पराजित कर देता है। स्थितियां ये है फ्रेंड्स कि हम लोग 1509 ईस्वी तक आ गए हैं। पुर्तगाली और भारत के व्यापारिक संबंध में 1509 ईस्वी तक की स्थितियां को जान गए हैं। अब यहाँ से टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि इनका जो कार्यकाल है 1505 से 1509 ही है, 1509 में इनका सेवा काल खत्म होने वाला है। इसके पीछे, खत्म होने के पीछे कारण क्या है? यहाँ का जो शासक है पुर्तगाल का, उन्होंने देखा कि मैंने तो कंपनी गठित की है एस्तादो द इंडिया, उसका जो उच्च पद है वायसराय, उस पे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को नियुक्त किया है इस उद्देश्य से कि वो भारत में जाए और अपना व्यापारिक विस्तार करे। और ये व्यापारिक विस्तार क्या करेंगे, ये तो वहाँ जाकर, कभी 1508 में पराजित हो रहे हैं, 1509 में बादले की भावना से लड़ाई कर रहे हैं, ये तो व्यापारी घाटा है। इससे पुर्तगालियों का इमेज तो भारतीय लोगों में विपरीत प्रभाव पड़ेगा, विपरीत प्रभाव को जन्म देगा। हो ना हो ये आर्थिक या व्यापारिक घाटा का सौदा हो जाएगा, कहीं ऐसे ना हो कि भारतीय लोग व्यापारियों का, पुर्तगालियों का प्रतिरोध करने लगे और वहाँ से विरोध कर भगा दें। जितना जल्द हो सके फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को वापस बुलाओ। ये उनको पद से बुलाते हैं कि भाई आइए, आपका कार्यकाल समाप्त हुआ, भारत में आप पुर्तगाली कंपनी का बहुत शासन कर लिए, अब आइए और पुर्तगाल में कोई पद मंत्री वाला लीजिए और वहीं पे रहिए।
अब वो वापस जाने लगते हैं। वापस जाते समय ऐसा कहा जाता है कि द केप ऑफ गुड होप्स पे जहाजी वेरा को गिराते हैं पानी भरने के लिए, लेकिन अपना ही आदमी के प्रतिशोध के कारण उन्हें मार दिया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा न भारत रह पाते हैं और न पुर्तगाल जा पाते हैं, बीच में केप ऑफ गुड होप्स पे ही मारे जाते हैं। अब आइए कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद ऐसा कौन सा प्रतिनिधि मिल गया था इमैनुअल प्रथम को जिसने उन्हें प्रभावित किया हो, और क्या वो वायसराय जो दूसरा वायसराय थे वो उनकी उद्देश्य में सफल हुए। इन सब बातों को जानिए। तो दूसरा प्रतिनिधि है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अब अल्फांसो डी अल्बुकर्क का कार्यकाल है 1509 से 1515। अब अल्फांसो डी अल्बुकर्क आ गया है, ये दूसरा पुर्तगाली वायसराय हैं। इन्हें पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने सबसे पहले जो 1503 ईस्वी में कोचीन में स्थापित हुई थी, कोचीन को इन्होंने मुख्यालय बनाया। कोचीन को मुख्यालय। उसके बाद क्या होता है? जब कोचीन को मुख्यालय बनाया और इन्होंने इनको तो पद की नियुक्ति हुई थी इस उद्देश्य ना कि वो भारत में जाकर व्यापारिक विस्तार करें, दो कोठियां हैं, दो के बदले में चार करें। व्यापारिक विस्तार करने के लिए उन्होंने सबसे पहले ये जो साम्राज्य है वो बीजापुर के अंतर्गत आता है। बीजापुर साम्राज्य बहुत बड़ा साम्राज्य था, वहाँ का शासक थे आदिलशाही यूसुफ सुल्तान। आदिलशाह यूसुफ सुल्तान अल्बुकर्क इनसे आज्ञा मांगता है कि हमें यहाँ पे कोठी स्थापित करने के लिए आज्ञा दीजिए, लेकिन आदिलशाही यूसुफ सुल्तान पुर्तगालियों की ऐतिहासिकता को जांचते हैं। उन्होंने सोचा कि जितने भी पुर्तगाली आए हैं वो सभी हिंसक हैं, झगड़ालू हैं। जमुरीन के अंतर्गत जो जमुरीन कोठी स्थापित करने के लिए दिया तो उसको शासन क्षेत्र अधिकार में उस पर बहुत ज़्यादा दबाव बनाए हुए हैं, हो ना हो हम भी देंगे तो हम पे भी दबाव बनाना प्रारंभ कर देंगे। तो हमारा पगला कुत्ता काटा है जो हम देंगे, वो आदिलशाही सुल्तान उससे नकार देते हैं, इस मांग को अस्वीकार कर देते हैं। जिस कारण अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा पर आक्रमण कर देता है और गोवा को जीत। अब बीजापुर के अधिकार क्षेत्र से गोवा बाहर हो गया है और 1511 ईस्वी में मलक्का पर अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। मलक्का कहाँ है, किस महाद्वीप पर है, ये आप लोग यदि पढ़ते होंगे तो कमेंट्स करके बताइएगा, और नहीं तो जब हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करेंगे तो उसमें आपको जब मैप बनाएंगे तो मलक्का जलसंधि के बारे में वर्णन करेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ा ज़्यादा डीप जाना है मलक्का के बारे में, जिस कारण मलक्का को ईस्ट इंडिया कंपनी पर छोड़ दीजिए। ये जानिए कि सिर्फ 1510 ईस्वी में गोवा को जीता, 1511 में मलक्का को, और उसके बाद 1515 ईस्वी में होमुर्ज पर अधिकार स्थापित किया। अब होमुर्ज क्या है, कहाँ है? तो ये वाला जो खाड़ी देख रहे हैं, फारस की खाड़ी, यहीं पे जो गोल घेराकार किए हैं यही है होमुर्ज। देखिए फारस की खाड़ी की भी एक अलग इतिहास है। जब आप खाड़ी युद्ध की बात करते हैं तो कोई दूसरा खाड़ी युद्ध नहीं है जिसके लिए भारत को 1991 ईस्वी में नई आर्थिक नीति की घोषणा करनी पड़ी, वो यही खाड़ी युद्ध है जो 2 अगस्त 1990 से हमें लगता है कि 28 फरवरी 1991 ईस्वी तक
चला था, और यदि आधिकारिक तौर पे देखें तो 30 नवंबर 1995 इसका घोषणा है युद्ध समाप्ति का। फारस की खाड़ी का अलग अलग नामों से अरब का व्यापारी जो है वो संबोधित करते हैं, कोई इन्हें अरब का खाड़ी, अरब की खाड़ी, कोई सिर्फ खाड़ी, ईरान की खाड़ी, फारस की, बहुत सारे नाम हैं। लेकिन जब इसकी मान्यता को देखें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो वो फारस की खाड़ी या ईरान की खाड़ी के नाम से जाना जाता है, जिसको मान्यता दिया है अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण संगठन ने। इसमें ज़्यादा नहीं जाइए, इसका हम जब ज्योग्राफी की बात करेंगे तो खाड़ी से संबंधित जो भारत के जो तटीय क्षेत्र है या पड़ोसी देश है, खाड़ी है, लाल सागर है, ये सबसे संबंधित जानकारियाँ देंगे, तो उसमें हम इसका वर्णन करेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा पेचीदा हो जाएगा। सिर्फ ये जानिए कि 1515 ईस्वी में होमूर्ज पर अधिकार कर लिया कौन, अल्बुकर्क ने। उसके बाद क्या करता है कि 1510 ईस्वी में गोवा को जीता था, और 1515 ईस्वी में यहाँ पे चर्च स्थापित किया है, चर्च का स्थापना सेंट, उसका नाम है सेंट जेवियर चर्च। यदि हम चर्च की बात करें तो सबसे प्रथम जो चर्च है वो पुर्तगाली ने बनवाया था 1510 ईस्वी में गोवा राज्य में, उसका नाम है सेंट जेवियर चर्च। बस ये एक नंबर में तीन चार तरह से प्रश्नों को घुमा फिरा कर आता है, इसको याद कर लीजिएगा। और यदि हम उसके बाद की बात करें, अब देखिए अल्बुकर्क ये सोच रहा है कि मैंने तो सिर्फ व्यापारिक विस्तार किया है, भारतीय लोगों में पुर्तगाली के प्रति तो अच्छी भावना पनपने नहीं दिया, अब कोई ऐसी नीति लाई जाए जिससे भारतीय लोगों का जो पुर्तगाली लोगों में या भारतीय लोग पुर्तगाली के साथ में सहयोग की भावना को अपनाएं, एक मिलजुल कर एक दूसरे के साथ सहयोग करें, वैसी कोई भावना लाई जाए। क्या उस्मानिया साम्राज्य ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार किया था तो उस भावना को बनाने के लिए धर्मांतरण करवाया, क्या धर्मांतरण कराना उचित है? धर्मांतरण कराना उचित नहीं है। धर्मांतरण हम कराएंगे तो ये और भारतीयों लोग हमसे गुस्सा हो जाएंगे, दूसरा नीति। तो उस समय भारत में पूरे धड़ल्ले से सती प्रथा चली आ रही थी। यदि हम सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य की बात करते हैं तो प्राचीन इतिहास की जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम उसका जिक्र करेंगे। 510 ईस्वी में लगता है कि आयरन अभिलेख में प्रथम सती प्रथा का उल्लेख है, और अभी तक सती प्रथा चले आ रही है। तो इन्होंने सोचा ये जो हमारा क्षेत्र है उसमें सती प्रथा को बैन किया जाए, एक सामाजिक कार्य किया जाए, जो विधवाओं के साथ अन्याय हो रहा है, किया सती प्रथा को अपना क्षेत्र में निषिद्ध कर दिया कि हमारा जो क्षेत्र है, जैसे कोचीन, कन्नूर, गोवा, होमूर्ज, ये सब जो क्षेत्र है जो जीते हैं उसके अंतर्गत सती प्रथा को अमान्य होगा, वो अन्याय वाली व्यवस्था है। इस व्यवस्था को जब पुर्तगालियों ने निषिद्ध किया तो भारतीय लोगों ने इसका बहुत विरोध किया, लेकिन अल्बुकर्क डटे रहे क्योंकि वो अस्थाई पुर्तगीज आबादी बसाना चाहते थे। ये भी जानिए कि अस्थाई पुर्तगीज आबादी अपनाना चाहते थे, बसाना चाहते थे, जिस उद्देश्य से इन्होंने सामाजिक स्तर पे कार्य करना प्रारंभ किया। और एक चीज़ आप मानिए कि जो परंपराएं जब हम महाभारत में भी देखते हैं तो पांडु की पत्नी पांडु के साथ सती होती है, एरन अभिलेख जो 510 ईस्वी का है उसमें भी सती प्रथा है कि भारतीयों को विधवाओं से विवाह करने में हर्ज है,
या उनको ऐसा लगता है कि वो गलत है। तो पुर्तगाली लोग विधवाओं से विवाह करेंगे, ये अच्छा कार्य किए। अल्बुकर्क ने विधवाओं से पुर्तगालियों का विवाह, वैवाहिक संबंध बनाना प्रारंभ किया और अपने क्षेत्र में सती प्रथा को निषिद्ध किया। बस अल्बुकर्क के शासनकाल में इतना ही जानिए। दूसरा वायसराय थे, वास्तविक संस्थापक इनको माना जाता है। कोचिन को मुख्यालय बनाया, 1510 में गोवा को जीता, 1511 में मलक्का पर अधिकार स्थापित किया, 1555 में सॉरी 1515 ईस्वी में होमुर्ज पर, और 1515 ईस्वी में ही गोवा में एक चर्च का स्थापना किया जिसका नाम रखा सेंट जेवियर चर्च, जो सबसे पहला चर्च है, या ऐसे बोलिए कि सबसे पुराना चर्च है। अब आते हैं इसके बाद, इसका शासनकाल अब समाप्त हो गया है क्योंकि इनका शासनकाल 1515 ईस्वी तक ही है और उन्होंने 1515 ईस्वी में लास्ट सेंट जेवियर चर्च बनाया। और सती प्रथा सामाजिक कार्य को देखें तो इन्होंने सती प्रथा को निषिद्ध किया विधवाओं से पुर्तगालियों का वैवाहिक संबंध बनाने के लिए, बताया या जोर दिया। उसके बाद यहाँ का इनका शासनकाल समाप्त हो जाता है। यदि हम इसका संक्षेप में एक शब्द में बोलें तो अल्बुकर्क ने व्यापारिक विस्तार तो किया ही, सामाजिक विस्तार भी, समाजीकरण भी, और वैवाहिक संबंध से पुर्तगालियों के प्रति भारतीयों का एक अच्छा इमेज बनाया। अब देखिए 1515 ईस्वी के बाद आइए, 1515 ईस्वी के बाद फ्रेंड्स 1524 से 1527 ईस्वी तक की बात जानिए। ये पुनः वास्को दि गामा आए। वास्को दि गामा भारत में 3 बार आए, 1498 में प्रथम प्रतिनिधि बनकर, 1502 ईस्वी में आज्ञा पत्र के आज्ञा मांगने के लिए कोठी स्थापित करने के लिए, और 1524 में आए, और 1527 में इनका देहांत भी भारत में ही हो गया वास्को दि गामा का। इनके बारे में और ज़्यादा विशेष नहीं जाना है। यदि क्वेश्चन पूछेगा कि वास्को दि गामा भारत में कितनी बार आए, तो 3 बार मारिएगा जवाब, टिक मारिएगा। अब आगे आइए, 1527 तक की स्थिति को जान लिए हैं। अब आइए 1529 से 1538 ईस्वी तक नूनो डी कुनहा, नूनो डी कुनहा का शासनकाल है 1529 से 1538। अब इनके बारे में जानिए। देखिए 1515 के बाद और 1529 के बीच में जो वायसराय हुए हैं उन्होंने कोई अच्छा काम नहीं किया होगा, या व्यापारिक विस्तार भी नहीं किया और समाज में कुछ अलग कार्य भी नहीं किए, जैसे जिस कारण उन्हें इतिहास में उनका महत्व नहीं दिया गया है। अब नूनो डी कुन्हा की बात करते हैं तो सबसे पहले उन्होंने 1530 ईस्वी में जो कोचिन मुख्यालय था अल्बुकर्क ने बनाया था उसे स्थानांतरित कर दिया, मुख्यालय को स्थानांतरित किया और गोवा को मुख्यालय बनाया, गोवा को मुख्यालय। उसके बाद फ्रेंड्स 1534 ईस्वी में ये कृष्णा वेशिद पर अधिकार स्थापित किए। 1535 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार स्थापित किए, द्वीप पर अधिकार, द्वीप यहाँ है, यहीं पे द्वीप है, छोटा सा शहर है, केंद्र शासित प्रदेश है द्वीप, 1535 में उस पर अधिकार स्थापित किए। बस इनके बारे में, नूनो डी कुन्हा के बारे में इतना ही जानना है। 1559 की बात करें तो दमन पे अधिकार स्थापित किए, दमन पर जो अधिकार स्थापित किए 1559 ईस्वी में, उन्होंने उस समय नूनो डी कुन्हा वहाँ का वायसराय नहीं थे,
वायसराय के बारे में जानकारी नहीं पूछता है, लेकिन पूछता है प्रश्न ये फ्रेंड्स कि 1559 में किस स्थान पे पुर्तगालियों ने अपना अधिकार स्थापित किया या दमन पर कब अधिकार स्थापित किया? तो 1559 में, 1535 दीव, 34 कृष्णा बेसिन, 30 गोवा को मुख्यालय बनाया। अब यहाँ के बाद कोई भी ऐसे वायसराय नहीं हुए जिन्होंने कोई ऐतिहासिकता के आधार पे कोई अच्छे कार्य किए हों। अब कुछ हम फैक्ट जान लेते हैं, कहाँ कब जीते कब नहीं जीते। सबसे पहले फ्रेंड्स कि 1542 ईस्वी में मार्टिन डिसूजा उस समय थे, मार्टिन डिसूजा के साथ सेंट जेवियर, सेंट जेवियर ईसाई धर्म का जो थे वो आए। 1542 ईस्वी में मार्टिन डिसूजा के शासनकाल में सेंट जेवियर आए, डेवियर नहीं, इसको जेवियर है लिखा हुआ, सेंट जेवियर आए, ईसाई धर्म का व्यक्ति थे, बहुत ही प्रतिष्ठित थे। और इसके बाद की हम बात करें तो 1633 ईस्वी में बम्बई पर अधिकार किए। और इस यही बम्बई सालसेट द्वीप पर है। जब हम भूगोल की बात करेंगे तो उसमें हम द्वीप से संबंधित सभी जानकारियाँ आपको देंगे, लेकिन ये अभी याद कर लीजिए, उससे भूगोल के क्लास में थोड़ी आसानी हो जाएगी। बम्बई सालसेट द्वीप पर है। 1560 ईस्वी में ईसाई धर्म न्यायालय का स्थापना हुआ, कहाँ पे? गोवा में, गोवा में ही हुआ। देखिए गोवा बहुत फेमस हो गया है। 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने जीता है। 1515 ईस्वी में सेंट जेवियर चर्च स्थापित हुआ है। 1530 ईस्वी में नूनो डी कुन्हा उसे मुख्यालय बनाए। और अंततः 1560 ईस्वी में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना हुई है। और एक चीज़ और गोवा से संबंधित है, 1556 ईस्वी में यहीं पे प्रिंटिंग प्रेस मशीन स्थापित किया गया था। प्रिंटिंग प्रेस के लिए 1556 ईस्वी में सर्वप्रथम जो मशीन है यहीं पे गोवा में स्थापित किया गया है। अब इसके बाद यहाँ से जो फैक्ट है वो नहीं जानकारी प्राप्त करनी है। तो फ्रेंड्स यदि हम यहाँ तक की बात करें तो 1503 कोचीन, 1505 कन्नूर, 1509 के बाद जो अल्बुकर्क का है तब कोचीन को मुख्यालय बनाया, 10 को 1510 ईस्वी में गोवा को जीता, 1511 में मलक्का को जीता, 1515 में होमुर्ज पर अधिकार किया, 1515 में गोवा में सेंट जेवियर चर्च की स्थापना किए, और उसके बाद 1530 ईस्वी में गोवा को मुख्यालय बनाया नूनो डी कुन्हा ने। 1534 ईस्वी में कृष्णा बेसिन पर अधिकार स्थापित किया। 1535 में द्वीप पर, 1559 ईस्वी में दमन पर, दमन यहाँ पे है, दमन पर अधिकार स्थापित किया। 1542 ईस्वी की बात करें तो मार्टिन डिसूजा के शासनकाल में सेंट जेवियर आए थे। और 1556 में गोवा में प्रिंटिंग प्रेस, 1560 में गोवा में धार्मिक न्यायालय, ईसाई धर्म के न्यायालय बनाया गया था, ये सब है। और उसके बाद हम कंपनी के क्षेत्राधिकार या भारतीय क्षेत्राधिकार पर जो पुर्तगालियों का प्रभुत्व है यही सब है, ये स्थापना याद कीजिएगा। उसके बाद ये सब तो जान गए फ्रेंड्स कि कंपनी का नाम, कंपनी से संबंधित वायसराय और वायसराय से संबंधित जानकारियां प्राप्त कर ली है। अब कंपनी का उद्देश्य क्या है? देखिए हम कंपनी का उद्देश्य की बात करते हैं तो उद्देश्य के अंतर्गत जो पहला उनका उद्देश्य था वो व्यापार करना था। व्यापार किस चीज का? तो मसाले का। प्रथम उद्देश्य जल मार्ग की खोज करना था, व्यापारिक संबंध बनाना था, मसाले का आयात करना था,
मसालों किस लिए, तो पिछले क्लास में वर्णन किए थे कि वहाँ पे मांस उद्योग ज़्यादा होता था, मांस उत्पादन ज़्यादा होता था, से मांस संरक्षित रहता था, खराब ज़्यादा नहीं होता था, या उसकी जो आयु है लंबी हो जाती थी, और उसके बाद लेप लगाकर दूसरे देशों में निर्यात करते थे। दूसरा इनका जो उद्देश्य था वो धार्मिक था, अस्थाई आबादी बसाना। क्या अस्थाई आबादी बसाएंगे तो वो अपना धर्म परिवर्तन करेंगे? नहीं, वो भारतीय लोगों का धर्म परिवर्तन कराते थे। और ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने बहुत ही कठोरता के साथ भारतीय लोगों पर भी धार्मिक धर्मांतरण करवाया। इसके पीछे कारण ये है कि जब कुस्तुनतुनिया पर अधिकार स्थापित किए थे उस्मानिया साम्राज्य ने, तो वहाँ पे धर्मांतरण कराया था, तो वहाँ पे ईसाई धर्म बाहुल्य, वहाँ जो घाटा लगा है धार्मिक, जो ईसाई धर्म में ह्रास हुआ है, उसको हम यहाँ पे मेकअप कर लेंगे, जिस कारण इनका जो उद्देश्य था बाद में धार्मिक भी हो गया था। और तीसरा उद्देश्य था कि हिंद महासागर पर अपना अधिकार स्थापित करना। यदि हिंद महासागर पर प्रभुत्व नहीं होगा तब हम व्यापारिक संबंध नहीं बना पाएंगे। इस कारण उन्होंने हिंद महासागर पे धड़ल्ले से मार काट करके अरबी व्यापारियों को पराजित करके यहाँ पे पुर्तगालियों के प्रति एक डर या भय उत्पन्न किए। हिंद महासागर पर प्रभुत्व, ये तीन याद रखिएगा कि उद्देश्य में क्या था, तो व्यापारिक संबंध, धार्मिक और हिंद महासागर पर प्रभुत्व। प्रभुत्व जिससे पुर्तगालियों के प्रति लोगों में एक डर बने। अब देखिए, व्यापारिक उद्देश्य समझ में आया गया, सॉरी कंपनी का उद्देश्य समझ में आ गया। और एक चीज़ और, पुर्तगाली लोग अपने आप को सागर का स्वामी कहते थे, जिसके लिए एक व्यवस्था लागू किए हुए थे, कार्टेज, आर्मेडा, काफिला व्यवस्था। कार्टेज, आर्मेडा, काफिला व्यवस्था ये लागू किए हुए हैं। ये कार्टेज आर्मेडा क्या है? कार्टेज का मतलब होता है परमिट। कैसा परमिट? किसका परमिट? किसके द्वारा परमिट? परमिट देने वाला कौन है ये जानिए। तो उस समय अरब सागर में जो भी व्यापारी, चाहे वो अरबी व्यापारी हो या भारत के जो केंद्रीय सत्ता में मुगल साम्राज्य है, उस शासक द्वारा जो व्यापारें हो रही है उनका जहाज हो, सभी को पुर्तगालियों से, पुर्तगाली अधिकारियों से परमिट लेना पड़ता था। उस समय की बात करिए तो वर्तमान से यदि तुलना कीजिए तो चालान, बालू वाला चालान, चालान जो होता है ना, लाइसेंस टाइप का काम करता है, मिल गया है, तो ये चालान होता था। और मान लीजिए कि ये परमिट लिए बिना चोरी छुपे इस महासागर में घुस गए, तो इस महासागर में पुर्तगालियों का छावनी होता था, सभी जगह घूमते रहते थे, रोक रोक करके उस परमिट को देखते थे। परमिट नहीं दिखाने पर उस जहाज में जो वस्तुएं होती थी, चाहे वो मसाले हों या कोई और दूसरा वस्तु हो, कपड़ा हो, लत्ता हो, जो हो, उसे लूट लेते थे पुर्तगाली लोग। जिसको यदि लूट लिए हैं तो कोई परमिट भी नहीं ना है, कोई स्लिप भी नहीं ना है कि ये अरब सागर में गई है और जिसको पुर्तगालियों ने लूटा हो, कोई हमारे पास साक्ष्य तो नहीं है कि यहाँ से जहाज निकली है वहाँ जाने के लिए बीच में भटक गई या बीच में लूट कांड हो गया, जिस कारण से ये अरबी और भारतीय शासक डर से इस व्यवस्था को, इस परमिट को लेते थे, मानते थे। और उसी के बाद जहाज को एक स्थान से अरब सागर होते हुए दूसरे स्थान पे भेजते थे। काफिला व्यवस्था क्या है? तो काफिला व्यवस्था के अंतर्गत स्थानीय जहाज़ों का, स्थानीय व्यापारियों का एक काफिला होता था। काफिला मतलब समूह। वो दूसरे जहाज़ों को संरक्षित करती थी या उसका देखभाल करती थी, बीच में वो जहाज और चारों तरफ से वो स्थानीय जहाज होते थे। इसका मतलब समझिए कि काफिला व्यवस्था के अंतर्गत गार्ड वाला काम होते थे,
चारों तरफ से सुरक्षा प्रदान किया जाता था। किससे? तो लूट कांड से। ये सब पुर्तगालियों का कमाने का एक जरिया था। पुर्तगालियों का उस समय अरब सागर में इतना भय था, इतना डर था कि लोग वहाँ पे जाना नहीं सोचते थे, और लूट कांड कैसे कर देंगे, ये सब सिर्फ कमाने का एक जरिया था मानिए। तो कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था समझ गए फ्रेंड्स कि ये व्यवस्था लागू किए हुए थे जिसके अंतर्गत परमिट और समूहों को एक साथ ले जाता था या संरक्षण देता था, यही इतना ही जानिए। अब आइए कंपनी का जो है या पुर्तगालियों का भारत में योगदान। भारत में पुर्तगालियों का योगदान क्या था, पुर्तगालियों ने भारत में क्या दिया? तो हम सबसे पहली बात करें तो उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की जो 1556 ईस्वी में गोवा में स्थापित हुआ था। याद कीजिए जब गोवा की बातें कर रहे थे तो उसमें बताए थे कि प्रिंटिंग प्रेस 1556 ईस्वी में स्थापित हुआ था। और भारत और जापान के बीच व्यापारिक संबंध, मध्य अमेरिका से इन्होंने तीन वस्तुएं आलू, तंबाकू, आलू तंबाकू और एक वस्तु और थी, आलू तंबाकू और मक्का, मध्य अमेरिका से आलू तंबाकू और मक्का लाए। और यदि हम फल की बात करते हैं तो फल में बहुत सारे कैटेगरी दिए इन्होंने, संतरा, मूंगफली, काजू, उसके बाद बादाम, अनानास और पपीता, ये सब जो है फल, ये सब पुर्तगालियों का ही देन है। ये सब याद रखिएगा, ये सब एक नंबर का क्वेश्चन में आता है। अब तो मैं बताया, पूछा जाता है कि कौन सा फल पुर्तगालियों द्वारा नहीं लाया गया था, तो ये सब याद रखिएगा एक नज़र में, संतरा, मूंगफली, काजू, बादाम, अनानास, पपीता, ये सब उनको पुर्तगालियों का ही भारत में देन है। और ये सब के अलावा फ्रेंड्स एक चीज़ और है, यदि हम स्थापत्य एवं कला शैली की बात करें, कला एवं संस्कृति, वो अलग चैप्टर ही है, उसमें हम बातें करेंगे। तो ये चीज़ जान लीजिए कि भवन निर्माण में भी इनका अलग एक शैली था जिसे गोथिक शैली कहा जाता है। याद रखिएगा, प्रश्न पूछता है कि गोथिक शैली किसका देन है, तो पुर्तगालियों का देन है। तो फ्रेंड्स यदि हम इस क्लास में बात करें तो हम लोगों ने पुर्तगाली कंपनी से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त कर ली है जो बीपीएससी तक के लेवल को आपको कवर करेगा। यहाँ का पतन के पीछे कारण क्या है, इस कारण को हम जब ईस्ट इंडिया कंपनी की क्लास करेंगे तो उसमें हम आपको पतन से संबंधित जानकारियां देंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी पेचीदा हो जाएगा और समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट्स कीजिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा जिससे वो इस जानकारी से लाभान्वित हों, इस जानकारी को प्राप्त करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।